नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज 8 फरवरी दिन गुरुवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड की निःशुल्क कोचिंग में सीबीएसई के छात्रों को भी मिलेगा मौका। पटना समेत बिहार के 5 शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था में होगा बदलाव। के पाठक ने विशिष्ट शिक्षकों को लेकर डीएम को दिया आदेश। गांधी मैदान में आज से लगेगा कृषि यांत्रीकरण मेला। प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार में पछुआ हवा चलने की संभावना। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से किया इनकार। सरकार ने गूगल के साथ मिलकर 4000 से अधिक ऐप को प्ले स्टोर से हटाया। जसप्रीत बुमराह बने नंबर 1 गेंदबाज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 7000 से भी अधिक पदों पर निकाली भर्ती। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से टीजी टीम मल्टी टास्किंग स्टाफ असिस्टेंट और मेडिकल के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती 7581 पदों पर आई है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 मार्च 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपए देने होंगे, तो वहीं आरक्षित उम्मीदवारों के लिए ये आवेदन निःशुल्क है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बिहार बोर्ड की निःशुल्क कोचिंग में सीबीएसई के छात्रों को भी मिलेगा मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई और आईसीएसई के 10वीं पास छात्र भी अब बिहार बोर्ड की निःशुल्क कोचिंग में दाखिला ले सकेंगे। इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना और आसान हो जाएगा। पहले यह सुविधा सिर्फ बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए थी, लेकिन सत्र 2024 से इसमें बदलाव किया गया है। छात्र 25 फरवरी तक coaching.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और गया में निःशुल्क गैर आवासीय शिक्षण दिया जाएगा। बोर्ड ने जानकारी दी है कि पहले ऐसा देखा गया है कि सीबीएसई और आईसीएसई के 10वीं पास छात्रों ने बिहार बोर्ड 12वीं में बड़ी संख्या में नामांकन लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ईसीआई ने डीएम व एसपी को दिया आदेश। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ईसीआई एक्टिव है। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। निर्वाचन आयोग ने आने वाले चुनाव को लेकर डीएम व एसपी को आदेश जारी किया है। इसके अनुसार अब लोकसभा चुनाव के दौरान राजनेताओं के खर्च पर नजर रखी जाएगी। चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान असामान्य या भारी मात्रा में राशि की निकासी पर पैनी नजर होगी। रुपए के लेन देन से संबंधित जानकारी प्रशासन को देनी होगी। किसी भी क्षेत्र में 20% या उससे अधिक राशि की मांग पर एसडीएम खुद नजर रखेंगे। इधर डीएम ने चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे अजगैबीनाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर बिहार के भागलपुर सुल्तानगंज में स्थित भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इसका संबंध झारखंड के देवघर से है। जब भी लोग देवघर सावन के महीने में जल चढ़ाने को जाते हैं, तब वे इस मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ही जाते हैं। इस मंदिर को लेकर लोगों के बीच और भी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में धार्मिक रूप से महत्व रखने वाले इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं भी पूरी होती है। सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहां भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलता है। यदि आप भी धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहां आ सकते हैं। पटना समेत बिहार के 5 शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था में होगा बदलाव। बिहार में पटना समेत 5 शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव होगा। दरअसल व्यवस्था को सुधारने के लिए तैयारी की जा रही है। व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस वैज्ञानिक तरीके से सर्वे करेंगे। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में सर्वे होगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय एडीजी सुधांशु कुमार और फरीदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर रोहित बालूजा के बीच MOU साइन हुआ है। यह टीम सर्वे की रिपोर्ट 4-5 महीने में पुलिस को सौंपेगी। इसमें शहर के अंदर जुड़े नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे समेत अन्य सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था संबंधित जानकारी होगी। इसके बाद बिहार इस तरह के वैज्ञानिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था के दबाव को व्यवस्थित करने का वैज्ञानिक समाधान निकाला जा रहा है। के पाठक ने विशिष्ट शिक्षकों को लेकर डीएम को दिया आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने विशिष्ट शिक्षकों को लेकर डीएम को आदेश दिया है। दरअसल नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होने वाली है। परीक्षा में सफल होने के बाद ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसके बाद मेधा सूची के आधार पर इनका शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसे लेकर के पाठक ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिख निर्देश दिया है। डीएम को स्कूलों में रिक्त पड़े पदों का आकलन करना है। इसके बाद 29 फरवरी तक इसकी सूची उपलब्ध करानी है।
इसके अलावा एक स्कूल में हर विषय में एक शिक्षक होंगे, इसका ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है। मालूम हो कि सक्षमता परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों की संख्या करीब 3.5 लाख है। गांधी मैदान में आज से लगेगा कृषि यांत्रिकरण मेला। राजधानी पटना के गांधी मैदान में 8 फरवरी से कृषि यांत्रिकरण मेला लगेगा। इसका संचालन 11 फरवरी तक होगा। बिहार सरकार के कृषि विभाग की ओर से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मालूम हो कि नीतीश सरकार राज्य में 11,900 रुपए की लागत से कृषि यंत्रों पर अनुदान देती है। फसल अवशेष प्रबंधन पर 80% तक का अनुदान मिलेगा। आपको बता दें कि ये मेला किसानों के लिए एक अच्छा अवसर होगा। यहाँ कृषि से जुड़े यंत्र आसानी से मिल सकेंगे। मेले में कई तरह के यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। विभाग की ओर से आगामी मेले का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक के लिए होगा। यहाँ कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के साथ ही किसान पाठशाला का संचालन भी होगा। सुपर 30 के आनंद कुमार को मिला यूएई का गोल्डन वीजा। सुपर 30 के आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीजा मिल गया है। यह वीजा शिक्षा, कला व संस्कृति के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले लोगों को यूएई प्रदान करता है। वीजा मिलने के बाद आनंद कुमार ने कहा है कि ये उनके लिए सम्मान की बात है, वह उसके लिए अधिकारियों के आभारी हैं। आपको बता दें कि आनंद कुमार कई बार शिक्षण कार्य को लेकर यूएई का दौरा कर चुके हैं। इस वीजा के मिल जाने के बाद 10 साल के लिए संयुक्त अरब अमीरात में रहने की अनुमति मिल जाती है। इसे 6 महीने के लिए प्रवेश वीजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गोल्डन वीजा इनसे पहले शाहरुख खान, बोनी कपूर, संजय दत्त, कमल हसन, रणवीर सिंह को मिल चुका है। सरकार ने गूगल के साथ मिलकर 4000 से अधिक ऐप को प्ले स्टोर से हटाया। भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय और गूगल ने मिलकर 4000 से अधिक ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है। मालूम हो कि अवैध लोन ऐप पर सरकार ने कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों के साथ सरकार लगातार जुड़ी हुई है। सरकार ने विनियमित संस्थाओं के साथ साझेदारी में काम करने वाली ऐप को ही प्ले स्टोर पर अनुमति दी है। सरकार ने साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया है। cybercrime.gov.in और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर साइबर अपराध के मामले को दर्ज कराया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स की निगरानी कर रही है। इसके साथ ही साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रतन राजपूत के बारे में। रतन राजपूत एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने टेलीविजन की दुनिया में अपने कैरियर की शुरुआत GTV के प्रचलित शो अगले जन्म मोहे बिटिया कीजो से शुरू की थी। इस सीरियल में इन्होंने अहम किरदार के रूप में लाली की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इन्हें महाभारत में अम्बा और संतोषी माँ में संतोषी की भूमिका में भी देखा गया था। इन्होंने वर्ष 2013 में रियलिटी शो बिग बॉस 7 में भी भाग लिया था। रतन राजपूत ने एक्टिंग क्षेत्र में कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं, जिनमें वर्ष 2007 में जी रिश्ते अवार्ड्स, वर्ष 2009 में इंडियन टेली अवार्ड्स, वर्ष 2009 में ही भारतीय टेलीविजन अकेडमी पुरस्कार और वर्ष 2010 में स्वर्ण पुरस्कार अपने नाम किए हैं। नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावक जाएंगे जेल। बिहार सरकार परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है। इसके जरिए अपील की गई है कि नाबालिग को अभिभावक वाहन नहीं चलाने दे। ऐसा करने पर अभिभावक दोषी होंगे और उन्हें 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और वाहन का 12 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है। बालिग होने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस से बनाना संभव हो पाता है। इसके बावजूद कई बार लोग नियम तोड़ते हुए नजर आते हैं। मनोज वाजपेयी ने पत्नी व बेटा के साथ शेयर की तस्वीर। एक्टर मनोज वाजपेयी ने अपनी फैमिली के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में मनोज बेहद ही खूबसूरत सूट में नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी सबाना राजा अनारकली सूट में बेहद सुंदर लग रही हैं, जबकि उनकी बेटी अवा ने उजले रंग का कपड़ा पहना है। उनकी सादगी ने सभी का दिल जीत लिया। इस तस्वीर में पूरा परिवार एक साथ काफी खुश नजर आ रहा है और सभी अच्छे भी लग रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज वाजपेयी बेहद कम ही मौकों पर अपने परिवार के साथ तस्वीरों को शेयर करते हैं। ऐसे में उनकी ये फैमिली फोटो दर्शकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सभी इस तस्वीर की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। इस तस्वीर को आम लोग ही नहीं बल्कि स्टार्स भी काफी पसंद कर रहे हैं। बगहा मिड डे मील मामले में NHRC ने बिहार सरकार को भेजा नोटिस। बिहार के बगहा में मिड डे मील खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार हो गए थे। इस मामले में प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस
सरकार को भेजा गया है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। साथ ही ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कार्रवाई की रिपोर्ट की मांग की गई है। NHRC की ओर से कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है। मालूम हो कि पश्चिम चंपारण के बांस गांव पर सोनी में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार हुए थे। इसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि सभी बच्चे की तबीयत अब प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना। बिहार के कई हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना जताई गई है। हवा की वजह से ठंड का एहसास पहले के मुकाबले बढ़ सकता है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और जम्मू व पंजाब में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बिहार के मौसम में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं 11 और 12 फरवरी को बिहार के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री और 22 से 24 डिग्री के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक देखने को मिल सकता है। शॉपिंग के बाद बिल के लिए मोबाइल नंबर नहीं है जरूरी। शॉपिंग के बाद कई बार मॉल में मोबाइल नंबर मांगा जाता है, लेकिन इसकी जानकारी देना जरूरी नहीं होता है। मॉल या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ग्राहकों के पास कई अधिकार सुरक्षित होते हैं। ग्राहक अपनी निजी जानकारी साझा करने से इनकार कर सकता है। इसके बाद कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। बिल बनाने से पहले मोबाइल नंबर मांगने पर इससे इनकार किया जा सकता है। साथ ही जबरदस्ती करने पर इसकी शिकायत 1-4-4-0-4 या 1-8-0-0-1-1-4-0-0-0 पर भी की जा सकती है। वहीं जहां बिल मोबाइल नंबर पर ही मिलेगा, ऐसी जगहों पर मोबाइल नंबर देना जरूरी है, लेकिन इसके बाद होटल या रेस्टोरेंट ऑफर्स की जानकारी देने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पटना के दीघा घाट पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का मजा ले सकेंगे पर्यटक। पटना के दीघा में गंगा की सैर करने के लिए क्रूज जहाज चलाए जा रहे थे, लेकिन अब इसके साथ साथ पर्यटन विभाग ने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी शुरू कर दी है। साथ ही पटना में वाटर बोट की शुरुआत भी की गई है। बिहार वासियों को अब इन वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे राजधानी पटना में ये एक्टिविटीज का मजा ले सकेंगे। इन एक्टिविटीज की शुरुआत पटना के दीघा घाट पर ड्रीम वर्ल्ड वाटर एडवेंचर में शुरू हुई है, जहां पर्यटकों को 3 तरह के वाटर बोट की सुविधा दी जाएगी। इसमें 10 सीटर, 8 सीटर और 2 सीटर बोट देखने को मिलेंगे। इसकी शुरुआत सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की जाएगी। सीटों के हिसाब से इसका किराया क्रम 200 रुपए, 250 रुपए और 500 रुपए रखा गया है। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा। हमारे संपर्क में RJD कांग्रेस के कई विधायक। RLJD पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि RJD व कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि दिल्ली जाने पर भाजपा के कई बड़े नेताओं से हमारी मुलाकात होती है। इस बार दिल्ली का हमारा सामान्य दौरा है। सीटी या लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर विपक्ष के लोग कुछ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। कुशवाहा ने दावा किया है कि बिहार की नई सरकार को कुछ नहीं होने वाला है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। फ्लोर टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से किया इनकार। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जानकारी उन्हें बुधवार को ही मिली है। विधानसभा संविधान और नियमावली के अनुसार चलता है। वह नियम के अनुसार सदन का संचालन करेंगे। अवध बिहारी चौधरी ने सवाल किया है कि वह इस्तीफा क्यों दे और संख्या बल का सदन में पता चलेगा या देखना उनका काम नहीं है। वह नियम को मानने वाले व्यक्ति हैं। मालूम हो कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र 12 फरवरी से शुरू होगा। इस दिन हंगामे के आसार हैं। विधानसभा के अध्यक्ष सत्र से पहले बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इधर RJD विधायक विजय मंडल ने कहा है कि हम लोग विधानसभा अध्यक्ष के साथ हैं। सदन के अंदर ताकत का पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम नीतीश कुमार ने की मुलाकात। NDA में वापसी के बाद सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास में दोनों के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। इसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस मुलाकात के संबंध में सीएम नीतीश कुमार ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन पीएम मोदी से नीतीश कुमार के इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद सीएम नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की करीब 6 महीने पहले मुलाकात हुई थी, जो 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान दोनों की मुलाकात देखी गई थी। इसके बाद दोनों के बीच मुलाकात की तस्वीरों ने राजनीतिक सुर्खियां भी बटोरी थी। RJD ने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार को बताया व्यापारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर NDA में शामिल हो गए हैं। इसके बाद RJD प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है।
आरजेडी ने पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यापारी बताया है, जबकि तेजस्वी यादव की उपलब्धि गिनाई गई है। पोस्टर में सीएम नीतीश का कार्टून बनाया गया है। तेजस्वी यादव को लेकर पोस्टर में लिखा गया है कि उन्होंने 17 महीने में बिहार को बदला है, यहाँ नौकरी का अंबार लग गया और 17 साल वाले कोई चमत्कार नहीं कर पाए। आरजेडी के पोस्टर में बताया गया है कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी के हैं। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद इन्हें फिर से 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की हिरासत में भेजा था। इस अवधि के पूरे हो जाने के बाद इन्हें फिर से ईडी की हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान झामुमो कार्यकर्ता और नेताओं ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए। सीआरपीएफ ने सुरक्षा का घेरा बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट में पेश किया था। वहीं हेमंत सोरेन के महाधिवक्ता ने कहा कि 120 घंटे पूछताछ के बाद आगे रिमांड का कोई मामला नहीं है। हालांकि कोर्ट ने पूर्व सीएम की रिमांड बढ़ा दी है। जसप्रीत बुमराह बने नंबर 1 गेंदबाज। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया है। इस रैंकिंग में ये नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने पहली बार ये सफलता हासिल की है, जिससे रविचंद्रन अश्विन के रैंकिंग को नुकसान हुआ है और वह तीसरे स्थान पर खिसक चुके हैं। मालूम हो कि जसप्रीत बुमराह ने विशाखापट्टनम में टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेट अपने नाम किए थे। इस वजह से उन्हें काफी फायदा मिला है। इनके अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 106 रन से हरा दिया। इधर रविचंद्रन अश्विन के बारे में बता दें कि इन्होंने पिछले साल मार्च में पहले स्थान पर कब्जा किया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कगिसो रबाडा दूसरे स्थान पर हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1785 में गवर्नर जनरल रहे वारेन हेस्टिंग्स ने भारत छोड़ा था। आज के दिन वर्ष 1872 में अंडमान जेल में शेर अली ने गवर्नर पर हमला करके शहादत प्राप्त की थी। आज के दिन वर्ष 1986 में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई थी। आज के दिन वर्ष 1994 में क्रिकेटर कपिल देव ने टेस्ट मैचों में 432 विकेट लेकर रिचर्ड हैडली के सबसे अधिक विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था। आज के दिन वर्ष 2002 में भारत और रूस के बीच 4 रक्षा समझौता संपन्न विमान वाहक पोत गोर्सकोव का सौदा अटका था। आज के दिन वर्ष 2006 में सियोल में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 3 समझौते संपन्न हुए थे। आज के दिन वर्ष 2008 में बैंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वरिष्ठ वैज्ञानिक शांतनु भट्टाचार्य को जीडी बिराला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उड़ीसा के शिशुपाल घर में खुदाई के दौरान 2500 साल पुराना शहर मिला था। आज के दिन वर्ष 1897 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे कौशल भारत कुशल भारत योजना के तहत इस दावे के बारे में। सोशल मीडिया के इस जमाने में कई ऐसी खबरें हैं जो वायरल होती रहती हैं, लेकिन सभी खबरें सही हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में एक और ऐसी खबर है जो लोगों के बीच वायरल हो रही है। वायरल हो रहे इस खबर के तहत यह दावा किया जा रहा है कि कौशल भारत कुशल भारत योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी और 28,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, लेकिन इस नियुक्ति के पहले आपको 1,350 रुपये पंजीकरण के लिए देने होंगे। लेकिन जब हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की तो हमने पाया कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस खबर को लेकर पीआईबी ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स के आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट शेयर किया था। इसने भी अपने इस पोस्ट के दौरान इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया और कहा कि ऐसी कोई भी योजना सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है। 2 लाख से अधिक टैक्सपेयर की कमाई 1 करोड़ से अधिक। देश में 2,16,000 टैक्सपेयर्स की कमाई सालाना 1 करोड़ से अधिक है। इधर इंडिविजुअल इनकम टैक्स कलेक्शन में 27.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने टैक्स रिफॉर्म के साथ ही देश की आर्थिक विकास को इसका श्रेय दिया है। आपको बता दें कि साल 2019 के बाद अधिक आय कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आयकर फाइलिंग में के आंकड़ों से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं प्रोफेशनल इनकम रिपोर्टिंग में भी इजाफा होने की बात सामने आई है। हर साल 1 करोड़ से अधिक रुपए कमाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। इसके अलावा देश में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस मशहूर गायक और संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है शंकर महादेवन, ऑप्शन बी है आशा भोसले, ऑप्शन सी आशा सचदेव, ऑप्शन डी है शिव कुमार शर्मा।
इसका संयुक्त है शंकर महादेवन। सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए है प्रियंका फोगाट, ऑप्शन बी है विनेश फोगाट, ऑप्शन सी है साक्षी मलिक, ऑप्शन डी है बजरंग पूनिया। इसका सही उत्तर है विनेश फोगाट। विख्यात धाविका पीटी उषा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी है पद्म भूषण, ऑप्शन सी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहां देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है पूर्णिया और सहरसा के कोसी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है रोहतास और गया में, ऑप्शन सी है पटना और नालंदा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पूर्णिया और सहरसा के कोसी क्षेत्र में। बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है धान, गेहूं, गन्ना, चना, ऑप्शन बी है धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है धान, गेहूं, गन्ना, चना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखा दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रहलाद महतो, विकास दास, विनोद भारती, रवि शंकर सिंह, हरेश्वर कुमार, साहिल यादव, पवन सिंह, रंजीत मिश्रा, नौसाद रजा, राजीव कुमार, शशिपाल कुमार, पंकज कुमार दास, छोटू राजा, अक्षय कुमार, आशा कुमारी, विवेक कुमार ओम, मोहम्मद साकिर हुसैन, महिमा मनोज यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है 24 घंटे में आप कुल कितने घंटे मोबाइल यूज करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।